हेलो एंड अ ह्यूज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम भारती इन टूडेज वीडियो लेट्स सी व्हाई देयर आर ट्वेल्व टू अ डजन एक दर्जन में किसी भी चीज़ के बारह पीसेस क्यों आते हैं हेयर्स योर आंसर ट्वेल्व इज अ हाईली कंपोजिट नंबर बारह एक बहुत ही संयुक्त अंक है इट कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय अ लॉट ऑफ स्मॉलर नंबर्स बारह को हम कई अंकों द्वारा बराबर भागों में बांट सकते हैं जो बारह अंक है उसे कई सारे छोटे छोटे अंकों द्वारा बराबर भागों में बांटा जा सकता है ट्वेल्व इज ईजी टू डिवाइड अप इंटू टूज ट्वेल्व इज ईजी टू डिवाइड अप इंटू थ्रीज इंटू फोर एंड सिक्स देखा आपने ट्वेल्व को हम कितने सारे छोटे अंकों के द्वारा बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं दिस ईजी डिविजिबिलिटी मेक्स ट्वेल्व अ गुड नंबर फॉर मेजरमेंट्स इसको इतने सारे अंकों द्वारा बराबर हिस्सों में बाँटा जा सकता है डिवाइड किया जा सकता है इस वजह से बारह एक बहुत अच्छा नंबर है मेजरमेंट्स करने के लिए कोई भी चीज़ नापने के लिए जैसे मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स देती हूँ ट्वेल्व मंथ्स इन अ ईयर एक साल में बारह महीने ट्वेल्व इंचज टू अ फुट एक फुट में बारह इंचज ट्वेल्व इन अ डजन एक डजन के अंदर एक दर्जन के अंदर किसी भी चीज़ के बारह पीसेस टू टाइम्स ट्वेल्व आवर्स इन अ डे पूरे दिन में दो बारी बारह बारह घंटे होते हैं ट्वेल्व फेस कार्ड्स इन अ डेक ताश के पत्तों में बारह फेस कार्ड्स होते हैं फाइव टाइम्स ट्वेल्व मिनट्स इन एन आवर एक घंटे में पाँच बारी बारह बारह मिनट के सेट्स होते हैं नाउ लेट्स एट सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस आई baked थ्री डजन कुकीज़ मैंने तीन दर्जन कुकीज़ बनाई मतलब मैंने थर्टी सिक्स या छत्तीस कुकीज़ बनाई. मीता बॉट टू डज़न eggs. मीता ने दो दर्जन अंडे खरीदे मतलब मीता ने चौबीस या ट्वेंटी फ़ोर एग्स खरीदे द बेकर गेव मी a डजन कप केक्स a प्लास्टिक बैग बेकर ने मुझे एक दर्जन कप दिए प्लास्टिक के एक बैग में एक डजन मतलब एक दर्जन बारह कपकेक दिए प्लास्टिक के बैग में अच्छा ना लुक एट दिस पिक्चर एक डज़न में तो बारह होते हैं क्या आपको पता है बेकर्स डजन में कितने पीसेज आते हैं किसी चीज़ के दिस इज़ अ बेकर्स डज़न एग कार्टन इसमें कितने अंडे हैं आप ये गिन के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इस वाले एग कार्टन में कितने अंडे हैं आर बेकरस बैड एट काउंटिंग क्या बेकर लोगों को गिनती नहीं आती उनकी काउंटिंग इतनी ख़राब होती है आ डजन इज़ इक्वल टू ट्वेल्व डजन तो बारह होता है बट अ बेकरस डजन इज़ इक्वल टू थर्टीन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये तो बारह डोनट्स हैं और एक डोनट एक्स्ट्रा है थर्टीन तो ये हो गया बेकरस डज़न डजन में तो बारह है पर बेकरस डजन में थर्टीन आते हैं क्यों क्या आप जानना चाहते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना टू नो द आंसर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर आ स्पोकन इंग्लिश क्लास एक्सपीरियंस